हरियाणा के झज्जर में रिश्वत के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब इस मामले में एक और रिश्वत का मामला जुड़ गया। दरअसल विजिलेंस विभाग की टीम ने एक पंचायत अधिकारी को 8,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी इन दिनों बेरी में कार्यरत था। सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी सत्यवान का आरोप था, उसने गांव की महिला के सरपंच की ओर से कराए गए विकास कार्यों की रिपोर्ट उसके पक्ष में तैयार करने के लिए 2,00,000 रुपए की रिश्वत की रकम मांगी थी, जिसमें काफी रकम शिकायतकर्ता उक्त आरोपी को कई दुकानों में दे भी चुका था। गुरुवार को उसे रिश्वत की बाकी बची 8,000 रुपए की रकम देनी थी, लेकिन उससे पहले शिकायतकर्ता ने विजिलेंस विभाग से संपर्क किया और बाद में आरोपी की रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार करने की योजना बनाई गई। जानकारी के अनुसार बेरी के गांव एमपी माजरा जिला झज्जर की महिला सरपंच के पति दिनेश ने विजिलेंस विभाग को शिकायत दी थी कि उसने सरकार से मिली ग्रांट के अवज में गांव के अंदर करीब 60,00,000 रुपए के विकास कार्य कराए हैं। इन विकास कार्यों में गलियों व चौपालों का निर्माण प्रमुख रूप से शामिल है। शिकायत में कहा गया कि उन्हें विकास कार्यों के संबंध में आरोपी पंचायत अधिकारी सत्यवान ने उनके पक्ष में रिपोर्ट तैयार करने को लेकर 2,00,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, इसमें से वह 1,20,000 रुपए की रकम व कई टुकड़ों में पंचायत अधिकारी को भी दे चुका है, लेकिन अब उसे 8,000 रुपए रिश्वत की ओर दिए जाने हैं। इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस विभाग की टीम हरकत में आई। बाद में आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए झज्जर तहसीलदार नरेंद्र दलाल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। बाद में योजनाबद्ध तरीके से आरोपी को रंगे हाथ काबू कर लिया गया। आरोपी को गुरुवार को अदालत में पेश किया जाएगा। मामला आज शिकायत प्राप्त हुई थी सरपंच अपने डिंपल के पति ने दिनेश ने दरखास्त दी थी आकर, उस दरखास्त के व्यापक कार्रवाई की गई और उसको रेड आइडेंटिटी 57 पंचायत अफसर को गिरफ्तार कर लिया। कहाँ से गिरफ्तार किया? इसको गिरफ्तार तो किया है झज्जर से, लेकिन काबू किया अपना बेड़ी। अच्छा, वहाँ भीड़ का कभी वो हो जाए और हंगामा बढ़ जाए, इसीलिए गिरफ्तार। नकद कितना प्राप्त हुआ इससे? 8,000 रुपए। तो वहाँ पे हाथ वगैरह धुलवाए गए? हाथ वगैरह धुलवाए गए, सारी कार्रवाई की गई है, डेमोस्ट्रेशन भी किया गया है, मुद्दे की भी दिलाए गए हैं और पेंट को भी कब्जे में लिया गया जिसमें पेंट में पैसे थे। तो कब पेश करोगे सर इसको? कल पेश किया जाएगा अदालत में।